सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो सारे? होप सो सारे के सारे बढ़िया होंगे। नहीं होंगे तो हम बना देंगे तुम्हें बढ़िया। सो हमने कोई लोकेशन चेंज नहीं करी है, ना कोई स्टूडियो बदला है, बस सीन यह है। मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ है। मेरे सारे घर के लोग बाहर गए हुए हैं एंड रात को अभी थोड़े दिन बाहर ही गए हुए हैं, तो अभी रात को मैं बना नहीं पाता था वीडियोज़, क्योंकि घर पर रहना पड़ता था, ख्याल रखना पड़ता था घर का, एंड स्टूडियो जा नहीं पाता था। तो मैंने जुगाड़ लगाया तुम्हारे भाई ने, सब जो भी लिमिटेड चीज़ें, जैसे माइक हो गया, लैपटॉप हो गया, लाइट हो गई, तो ये सब लेके मैं घर पर आ गया। अभी मैं रात को जब भी टाइम पास करता था, अभी मैं वहाँ पर वीडियोज़ बनाऊंगा, तो तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। मैं तुमको बोला था ना यार, मेहनत ऐसे करनी चाहिए, एंड अभी होगी एंड तुमको बिल्कुल मजा आएगा। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तुम लोग पछताओगे, तो कर लो प्लीज, ठीक है? 1K हिट करा दो आज ही। तो यस, अभी अपन चलते हैं। आज ये सीन है कि मैं ढूंढ रहा था कि इंग्लिश सबटाइटल्स कहाँ मिल सकते हैं हमको नेपाली सॉन्ग्स के, एंड हमको एक चैनल मिला जिनका नाम है रासू श्रेष्ठा। तो थैंक यू सो मच, मैं आपको क्रेडिट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इनने ना कुछ 5-6 वीडियोज़ इनने इंग्लिश सब्स के साथ दिए हुए, तो हमको ये बहुत ही ईजी चीज़ हो गया है यहाँ पे, तो हम लोग अभी रिएक्शन देने वाले हैं। सबसे पहले उठा है हमने यात्रा V10 का है, जिसके लिए हमको बहुत सारे सजेशंस आए थे। तो यस लेट्स गो, ज़्यादा बातें नहीं करते, बहुत हो गई अभी, लेट्स गो। V10 इज माई फेवरेट ब्रो। कुछ डिप्रेशन के ऊपर लग रहा है सॉन्ग। When someone you love the most do something bad to you, you get hurt very badly, okay? और हाँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ, जब भी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आते हैं ना वीडियोज़, मैं बहुत बार पॉज करता हूँ, तो थोड़ा अच्छे से देखना एंड तक, मजा आएगा। Let's go, bro. हाँ, यात्रा बेसिकली, ये जर्नी, वो मेरे को पता है। समथिंग लाइक कि भाई डिप्रेशन से ऊपर आके, शायद डिप्रेशन को ओवरकम करके, या ऐसी कोई जर्नी दिखाई कि मैं तब क्या कर रहा था, मैं अब क्या कर रहा हूँ, एंड मैंने उस डिप्रेशन के थॉट्स से बाहर कैसे निकला, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, मैंने बोला ना तुम्हें कि हाँ भाई, वो कल से लेकर आज तक ट्रैवल कर रहा है, मतलब यू नो, कल उसका मतलब जो बीता हुआ कल, यू नो, जो जिस टाइम पे वो डिप्रेशन में था, एंड आज वो यहाँ पे है, तो उससे लेकर अब तक उसको उसकी यात्रा बोल रहे हैं। बेसिकली यस, कि मैं ना आंखें बंद करके ना खुद की जर्नी को फील करना चाहता हूँ, एंड मैं हार गया था, मैं लूज कर रहा था, तो भी मैं स्ट्रगल करता रहा, एंड मैं आज अपने बॉयज को मिस करता हूँ, मैं वो बीते हुए दिन मिस करता हूँ जब मैं स्ट्रगल कर रहा था बेसिकली। तो वो जर्नी, ओ माई गॉड, मतलब यस कि मैं, वो सारी बिचेस कहाँ चली गई, बट कोई वादा नहीं, मैं आज भी चिल कर रहा हूँ, एंड मेरे पास मतलब बहुत बंदियाँ हैं अभी चिल करने के लिए, एंड मैं खुद के ही रिलेटिव्स के लिए, मतलब अभी मैं स्ट्रेंजर हो गया, क्योंकि मैं इतना बड़ा होता जा रहा हूँ, यू नो। Just a minute, क्या बोला? I try to do well, but I will be punished in the end. Okay. हाँ, मैंने अभी रिसेंटली सुना था, ये गाना तो शायद पहले का है, बट मैंने रिसेंटली सुना था कि इनके ऊपर कुछ एलिगेशन भी लगे थे अभी, कुछ यामाबुद्धा के लेने कुछ बोल दिया था, ऐसा कुछ था, उसमें भी सीन हुआ था, मतलब होता है। मैंने तुमको बोला ना, जो बंदा सबसे हिट हो रहा होता है, सबसे ऊपर चढ़ रहा होता है, तो उसको हिट मिलती वो नेचुरल है ब्रो, कहीं से भी, एंड बिना हिट के तुम कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते, समझे? तो वो चीज़ है। ओके, हाँ यस यस, माय मेमोरीज बोर्न इन द हार्ट। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं मानता हूँ कि मेरी फॉल्ट है, एंड मैं सैड भी कभी कभी फील करता हूँ, एंड बेसिकली, रुक जाओ, हाँ एक सेकेंड,
सेड माई हार्ट टेकिंग इट एज गिफ्ट. ओके, मतलब जो भी मुझे हेट दे रहे बट मैं उसे एज अ गिफ्ट लेता हूँ अपने लिए. मतलब कि हाँ भाई ठीक है, तुम हेट दे रहे हो, ठीक है, कोई वादा नहीं है, एंड खुद भी मानते हैं फॉल्ट एंड मेरा दिल सैड है. एंड इट्स बिकेम मोर डिफिकल्ट फॉर मी. ये अच्छा, हाँ ओके, मतलब खुद के बंदे खुद मेरे को हेट दे रहे हैं जैसा बोल रहा है, तो मेरे लिए डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ को लेके. ओके ओके यस. हाँ ये नेपालियन क्या बोलते हैं, हिंदी थोड़ी बहुत सेम ही लगती है बेसिकली. दुखी ऐसा कुछ बोला, दुखी है मेरा मन करके, तो वो हिंदी में ऐसा कुछ होता है. ये मेरो केटाहरूलाई मेरो म्याच सिक्ने केटीहरूलाई सब म्याच सिक्नेलाई म म्याच सिक्नेलाई पनि म्याच सानो छ परिवार छैन केही खास कुरा आफ्नो पारा देख्दा म आफैलाई लाज लाग्छ गाडी बाउ छोराको यास गर्छ छोरोलाई बाल छैन द सन डजन्ट केयर ही इज अलवेज ओ माई गॉड. सो बेसिकली खुद के ऊपर बोल रहे हैं कि भाई मेरी जो फैमिली थी मतलब बहुत ही छोटी थी, एंड मैं ये सब मैसेज अपने बॉयज़ को देना चाहता हूँ, जो बिचेस को देना चाहता हूँ जो मुझे छोड़ के चली गई. तो मतलब ऐसा बोलना चाहते हैं कि मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी, इतना कुछ ये नहीं था, बट एक जो अनएम्प्लॉयड फादर था मेरे घर में, एंड बेसिकली वो मुझे चाहता था कि भाई तू अर्न करे, एंड पर मेरे को कोई कदर नहीं थी, मैं हाई रहता था. ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे है भाई, अभी देखते हैं आगे क्या सीन करते हैं. ओके घर छोड़ दिया था ना, इन्हें घर छोड़ दिया, एंड बेसिकली बोलते हैं कि मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको भूल गया, एंड उसके बाद 7-8 ईयर्स आज हो गए, एंड मैं खुद की मौज में रहता हूँ आज. तो देखते हैं. ओके व्हाट इज तमिल? तमिल ने शायद अ प्लेस इन केटीएम. ओके, काठमांडू में एक जगह है. ओके, ओहो, इनने अच्छे खासे ब्रैकेट्स में भी चीजें दी हुई है. हाँ, थैंक यू सो मच. I am minding my own business. I am living on my own. Oh my god, भाई इनका ये जो फ्लो था ना भाई, बहुत ही सिक था यार. कम ऑन, मतलब मैं अभी कुछ मतलब किसी से नाते रिश्ते सब तोड़ चुका था, एंड मेरे को खुद का भी स्टमक फिल करना था, तो मैंने यहाँ पे बहुत काम किया, एंड बेसिकली किसको ये मिस कर रहे हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स को? Relationship is never broken. Ay, yeah, shayad koi ladki ki bhi baat kar rahe hain. Dukhi raha mera man. Yeah, hona to mero pani galti tha. Hey, got a boy on my son. Yeah, mutu ma yaad haru baljida. Dukhi raha mera man. Hona to mero pani galti tha. Yeah, got a boy on my son. Hey. Mutu ma yaad haru baljida. Stay on mero life ke gon. ओके, एक सेकंड, गाना चालू हो जाना, गाना खत्म हो जाना, तो रुक जाओ.
तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि फिर ये कभी घर गए कि नहीं गए, मतलब इस गाने से मेरे को सिर्फ ये समझ में आया कि बेसिकली अपने लाइफ की इन स्टोरी बताई वो ठीक है, एंड कैसे वो वहाँ से निकल के आज यहाँ तक पहुँचे, एंड जो भी अपनी जो छोटी मिस से पार्टनर ने स्टोरी बताई कि भाई मैं अर्न करने के लिए बाहर गया था एंड 7-8 ईयर्स तक घर नहीं लौटा, देन वहाँ पर मैं सक्सेसफुल हो गया, अभी मैं इतने बड़े शोज करता हूँ, ओके सब समझ में आया। बट क्वेश्चन इस कि कभी घर गए वापस रिटर्न, कि अब तक ऐसा ही है, कुछ चल रहा है, मतलब फैमिली का क्या हुआ, कुछ तुमको पता है तो कमेंट्स में ड्रॉप कर देना यार। मतलब ठीक है, सॉन्ग दो अपोजिट डायरेक्शन में लेके गया, एक तरफ इनकी सक्सेस तो दिख ही रही है बेसिकली, बट एक तरफ वो फैमिली का क्या हुआ उसका बताना चाहिए था। मतलब मैं अगर चाहता ना, अगर इस गाने में एडअप हो जाता ना कि भाई मैं पहले ऐसा था, आज ऐसा हुआ, पर अब मैंने अपनी फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल भी दी, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। बट एक्चुअली तो ये रियलिटी है, तो ऐसा इनने किया ना हो तो कैसे गाने में बोलेंगे। सो यस, मेरे को बताना नीचे कमेंट्स में कि एक्चुअली क्या हुआ था उसके बाद, कभी घर गए या ऐसा कुछ हुआ क्या। बाकी तुम बताओ, तुमको क्या लगा, कैसा लगा गाना, कैसा लगा रिएक्शन, एंड कैसी लगी ये लोकेशन। तो अभी आज से रात को जब भी हम बैठेंगे तो जितने हो सके वीडियोज हम लोग निकाल देंगे यहाँ पे, तो तुम बिल्कुल बोर नहीं हो, तो तुम लोग इस लोकेशन के लिए भी बोलना कि कैसी लग रही है तुमको, 10 में से इसको भी नंबर दे देना। सो एंड बताना कि ज़्यादा अच्छी लोकेशन वो है या ये है, एंड बाकी तो बस मिलते हैं तुमसे कोई और अच्छी रिएक्शन, तब तक बस स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर एंड टाटा।